नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया। और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे कम्प्लीटली बात करूंगा इस चॉइस टैबलेट के बारे में, जो कि एक गर्भ निरोधक गोली होती है। ये गर्भ को रोकने और बच्चों में अंतर रखने के लिए प्रयोग की जाती है। ये जो गोली है वो शरीर के हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें कृत्रिम रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि ये जो चॉइस टैबलेट है उसकी प्राइस और पैकिंग क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं यानी कि इसमें कंटेंट क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या इसके मेडिसिनल यूज़ होते हैं, कब इसको देने की सलाह दी जाती है, इसके अलावा इसका डोज क्या है यानी कि इसको कैसे लेना चाहिए, इसका सेवन कैसे करना चाहिए, किन लोगों को ये चॉइस टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, और वीडियो की एंड में यहां पर हम बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहां पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि ये जो चॉइस टैबलेट है उसकी प्राइस और पैकिंग क्या है। तो देखिए, यहां पर मेंशन है ये 30 रुपीज की होती है और इसमें टोटल 28 टैबलेट आती हैं। ये जो टैबलेट है उसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है लियोनोरजेस्टल 0.15 mg, एथिनाइल एस्टेरिडोल जो डाला गया है वो 0.03 mg डाला गया है, इसके अलावा फेरस फ्यूमरेट यानी कि आयरन जो है वो 19.5 mg इसमें डाला गया है। अब यहां पर मैं आपको खोल के दिखा दूं कि ये जो चॉइस टैबलेट है वो किस तरह की दिखती है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चॉइस टैबलेट है वो कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं और उसके बारे में अलग अलग तरीके से बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर आपको एक लेफलेट मिल जाता है जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहां पर आपको ये 28 टैबलेट मिलती हैं, 21 टैबलेट जो है वो वाइट कलर की होती हैं और ये जो 7 टैबलेट है वो आयरन की होती है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो चॉइस टैबलेट है उसको कैसे लेना चाहिए, ये काम कैसे करती है। सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं कि ये जो चॉइस टैबलेट है वो काम कैसे करती है। तो देखिए दोस्तों, ये हर महीने होने वाले ओव्यूलेशन को रोकती है, ये गर्भाशय की ग्रीवा के म्यूकस को गाढ़ा करती है जिससे स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये गर्भाशय की लाइनिंग को पतला करती है जिससे निषेचित हो जाने पर भी गर्भ में निषेचित अंडाणु आरोपित न हो पाए। अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो चॉइस टैबलेट है उसके फायदे क्या क्या होते हैं, तो देखिए, गर्भ को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मासिक धर्म प्रवाह और ऐंठन में कमी है, एनीमिया में सुधार करने के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें आयरन वाली टैबलेट होती हैं, मासिक चक्र को ये नियमित करती है अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है तो ये पीरियड को भी रेगुलर करती है, डिंब ग्रंथि और एंडोमेट्रियल कैंसर है तो उसमें भी ये रक्षा देती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस चॉइस के मेडिसिनल यूज़ के बारे में यानी कि इसको कब देने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, गर्भ को न ठहरने देना, बच्चों में गैप रखने के लिए, पीरियड में होने वाला दर्द, मासिक धर्म में ज़्यादा खून आना या फिर एंडोमेट्रियोसिस है तब इसको लेने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका डोज क्या होना चाहिए यानी कि इसका सेवन किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, इसमें टोटल 28 गोलियाँ होती हैं, मासिक धर्म शुरू होने के 5वें दिन से गोली लेना शुरू करना है यानी कि ये जो व्हाइट कलर की गोली है वो पीरियड शुरू होने के 5वें दिन से लेना शुरू करना है। लगातार 21 दिन आपको गोली लेना है, 21 दिन तक ये व्हाइट गोलियां हैं वो लेनी है। ये जब पूरी हो जाए तब आपको 7 आयरन वाली गोली लेनी है, आयरन वाली गोली रोज लेनी है, रोज ही एक ही समय पर आपको लेना चाहिए। दवा के सेवन के बाद 2 घंटे के अंदर अगर आपको उल्टी या फिर दस्त हो जाते हैं तो आपको तब उस सिचुएशन में दूसरी गोली लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो चॉइस टैबलेट है उसका जो सेवन है वो किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। तो देखिए, गर्भावस्था में इसको ना लें, अगर आपकी जो उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा है तो वो महिलाएं इसका सेवन ना करें, धूम्रपान करने वाली महिला भी इसको ना लें, अधिक वजन में इसको ना लें, गंभीर सिरदर्द या फिर माइग्रेन है तब इसको ना लें, स्तन कैंसर में स्तनपान के दौरान या फिर गर्भपात के बाद भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो चॉइस टैबलेट है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, मतली और चक्कर होना, स्तनों में दर्द, सिरदर्द, माइग्रेन, हाई बीपी, वजन बढ़ना, एलर्जी या फिर मासिक स्त्राव में परिवर्तन जैसे कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, बस यही था छोटा सा वीडियो इस चॉइस टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे बड़ा सा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।